गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको संप्रेषण की नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताता हूँ कंडीशन ऑफ कम्युनिकेशन। कंडीशन ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें फर्स्ट है संप्रेषण की शर्तें, है ना। संप्रेषण की शर्तें में फर्स्ट पॉइंट है, हिंदी में बताता पहले, सूचना प्रेषणकर्ता में सूचित करने की इच्छा हो, सेंडर विल डू टू सेंड मैसेज। अगर भेजने वाला प्रेषणकर्ता मतलब सेंडर अगर मैसेज को सेंड करेगा ही नहीं, मैसेज भेजना ही नहीं चाहता हो, तो प्राप्त करने वाला प्राप्त करेगा क्या? नहीं। कम्युनिकेशन होने के लिए बात करने वालों को, जो पहले जो बोलने वाला है उसको बोलने की इच्छा होनी चाहिए, मैसेज भेजने वाले को भेजने की इच्छा होनी चाहिए, ठीक है। फ़ोन करने वाले को फ़ोन करने की इच्छा होनी चाहिए। सेकेंड, सूचना ग्राही अथवा सूचना प्राप्तकर्ता मौजूद हो, प्रेजेंस ऑफ द रिसीवर, मतलब जो रिसीवर है प्राप्तकर्ता है वो मौजूद होना चाहिए। आप जिससे बात कर रहे हो वो बात करने वाला वहाँ पे होना, सुनने वाला वहाँ होना चाहिए, तभी तो आप सामने वाले से बात करोगे। आप जिसको बोलोगे वो सुनने वाला ना हो तो वहाँ पे कम्युनिकेशन आपका हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। थर्ड पॉइंट है, सूचना ग्राही में सूचना ग्रहण करने की अनुकूल क्षमता मौजूद हो, ठीक है। कैपेसिटी टू रिसीव मैसेज, कैपेसिटी टू रिसीव मैसेज। अगर आप जैसे किसी को हिंदी में बात कर रहे हो और सामने वालों को हिंदी नहीं आता, वो साउथ इंडियन है मान के चलो, या फिर वो उड़िया है, या फिर ऐसा कोई दूसरा लैंग्वेज आ रहा है, या फिर कोई फॉरेन से आया हुआ, सब हिंदी में बात कर रहे हो, पूरा कम्प्लीटली समझा रहे हो हिंदी में, उसको समझ में नहीं आएगा तो वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कहलाता। प्रॉपर कम्युनिकेशन वो कहलाता है कि सामने वाले के पास अनुकूल, मतलब उसका मतलब वो होना चाहिए कि जो चीज़ जैसा वो उसको समझ में आता है वैसा आप उसको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है, सूचना ग्राही में, मतलब सूचना ग्राही मतलब जो रिसीवर है उसमें संदेश का उत्तर देने की क्षमता हो, कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। अब सामने वाला समझ रहा है, आप उसको सूचना दे रहे हो या से आप बात कर रहे हो, सामने वाला सुन रहा है या उसको समझ रहा है या उसको पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद उसको रिप्लाई करने की क्षमता भी होनी चाहिए, तब आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन पूरा होगा। तो ये हमारा कंडीशन चार है। पहला है कि बोलने वाला या भेजने वाला जो है उसको इच्छा होनी चाहिए भेजने की, सुनने वाला वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, रिसीवर वहाँ प्रेजेंस होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड है, उसमें अनुकूल क्षमता मौजूद हो, अनुकूल क्षमता मतलब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। आप अगर उसको कुछ, जैसे आप मान के चलो कोई ऑफिस का वर्क भेज रहे हो, जैसे टैली के कुछ भेज दिए, तो सामने वाला टैली आना चाहिए तभी टैली की चीज़ें समझ पाएगा, ठीक है। आप उसको एमएस ऑफिस की चीज़ भेजे हो, जैसे एक्सेल का चीज़ें भेज दिए उसको डॉक्यूमेंट, तो उसका एक्सेल की चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आप किसी अकाउंट का चीज़ भेज दिए हो, अकाउंटिंग चीज़ें भेज दिए डायरेक्ट डाटा, तो उनको अकाउंट समझ में आना चाहिए तभी वो समझ पाएगा अकाउंट्स को, है ना। ये था कंडीशन ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसके बाद आता है हमारा संप्रेषण के मुख्य तत्व। तो संप्रेषण के मुख्य तत्व, मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या है मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? सबसे पहले संचारक, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें हमारा पाँच पॉइंट है। सबसे पहले कम्युनिकेटर होना चाहिए, कम्युनिकेटर मतलब जो भेजने वाला है वो होना चाहिए, जो संदेश सूचना आदेश ऑर्डर, है ना, नोटिस या मैसेज जो भेजने वाला वो होना चाहिए। दूसरा कम्युनिकेटी रिसीवर, जिसको हम लोग हिंदी में प्राप्तकर्ता या संप्रेषण ग्राही कहते हैं। सुनने वाला होना चाहिए, भेजने वाला एक साइड, है ना, एक वन जो मतलब पहला पक्षकार जो होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्टी जो हमारा भेजने वाला होना चाहिए, तो सेकंड पार्टी जो हमारा सुनने वाला होना चाहिए। थर्ड, कुछ ना कुछ मैसेज ऑर्डर नोटिस, है ना, कुछ ना कुछ या रिक्वेस्ट, ये सब कुछ ना कुछ होना चाहिए संदेश। फोर्थ है चैनल, कुछ चैनल होना चाहिए, जैसे बात करने कोई तरीका होता है मार्ग पथ, ठीक है, कॉल में बात कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं या फिर आप उसको सूचना भेज रहे हैं, चिट्ठी भेज रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ चैनल होना चाहिए। फिर पाँचवा है प्रतिपुष्टि फीडबैक। अब आप किसी को किस बोले हो तो उसका हाँ या ना में जवाब भी आना चाहिए, है ना। आप सिर्फ बोलते जा रहे हैं, सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा, आपको पता कैसे चलेगा? जब वो रिप्लाई करेगा, तो फीडबैक का मतलब है प्रतिपुष्टि मतलब रिप्लाई, यह प्रभाव या प्रतिक्रिया है जो संदेश के प्रत्युत्तर में संप्रेषक के को प्राप्त होता है। मतलब जो फर्स्ट पार्टी है उसने जो मैसेज किया है या जो बात किया है उसका रिप्लाई जो है सेकेंड पार्टी जो कम्युनिकेटी है प्राप्त करता है, वो रिप्लाई करने से फीडबैक देने से पता चलता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा व्यावसायिक संप्रेषण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें सबसे पहला होता है हमारा ऑब्जेक्ट, क्या होता बता रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने इसमें लिखा हुआ, इसमें हिंदी में बताता हूँ आपको। व्यावसायिक संप्रेषण के मुख्य उद्देश्य, उचित व्यक्ति को उचित तरीके से उचित समय पर उचित जगह पर उचित सूचना पहुँचाना होता है।
तथा एक संगठन को प्रत्येक प्रयास सुगमता से क्रियाशील होना होता है, यही हमारा उद्देश्य हो। ठीक है, यह अब है इंग्लिश में मैं आपको बताता हूं। एक मैसेज जो है प्रॉपर मैसेज टू प्रॉपर पर्सन थ्रू प्रॉपर चैनल टू प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। ठीक है, प्रॉपर मैसेज टू प्रॉपर पर्सन थ्रू प्रॉपर चैनल एट द प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए सब चीजें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा उचित संदेश होना चाहिए। उचित संदेश क्या है हमारा, इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है उचित संदेश, प्रॉपर मैसेजिंग। यह संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य में उचित सूचना उचित समय में उचित व्यक्ति को संप्रेषित करनी होती है। ठीक है, और सूचना उसी अर्थ में भेजा जाएगा जिस अर्थ में प्रेषणकर्ता को समझ में आना चाहिए। प्राप्तकर्ता को समझ में आना चाहिए, जो रिसीवर है ना, जो कम्युनिकेटिव है, जो रिसीवर है उसको समझ में आना चाहिए, उस टाइप में भेजा जाएगा। ठीक है, अगर वो सुन नहीं सकता तो उसको लिख के भेजना पड़ेगा, अगर वो देख नहीं सकता तो उसको कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जो उसमें लिखा ना हो, उसको वो सुन सके। ठीक है, किसी के थ्रू में या कॉल में जैसा भी है उसके थ्रू। ठीक है, तो जैसा प्रॉपर मैसेज भेजना हो उसके हिसाब से। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग एक्टिविटीज, क्रियाओं में समन्वय। सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा होता है कि भाई जो आप कम्युनिकेशन किस लिए कर रहे हो। हम लोग कम्युनिकेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग जो काम है वो अच्छे तरीके से कर सके, उनमें समन्वय स्थापित हो, कोऑर्डिनेशन हो सके। ठीक है, हम जो काम हो उसमें प्रॉपर काम हो सके, कोई प्रॉब्लम ना, इसलिए हम लोग प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्ट यही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रबंध कुशलता को बढ़ाना, इम्प्रूवमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल। जो बड़े बड़े मैनेजर होते हैं या फिर जो संगठन के मतलब जो है ना उच्च लेवल वाले जो मैनेजर हो गए या सुपरवाइजर हो गए, वो अपने नीचे काम करने वालों से प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं, सब चीज़ अच्छे से करेंगे। ठीक है, जो भी उनके विचार है, जो भी उनके ऑर्डर है, वो अच्छे तरीके से उसको अप्लाई करेंगे। और जो नीचे लेवल वाले वर्कर हैं वो अपने बड़े लेवल वालों को जो भी उनके विचार हैं, शिकायतें हैं, सुझाव है, वो अपने बड़े बड़े अधिकारियों को बताते हैं या उसको संभव कराते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है जो मैनेजर जो ग्रुप के लोग हैं मेरे, है ना, प्रबंध कुशलता प्रबंधन वाले जो लोग हैं वो लोग में इम्प्रूवमेंट आता है, उनकी क्वालिटी में, उनके मैनेजमेंट स्किल में इम्प्रूवमेंट आ जाता है। ठीक है, इसी में हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा नीतियों को लागू करना। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, संप्रेषण एक संगठन द्वारा तैयार की गई नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो इसको मैं शॉर्टकट में इंग्लिश में बताता हूँ। कम्युनिकेशन एक ऐसा की पॉइंट है जो पॉलिसीज और प्रोग्राम को बेटर इम्प्लीमेंटेशन करता है। जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो फ्रेम्ड होता है ना, उसको बेटर तरीके से, उसको पॉलिसीज और प्रोग्राम को बेटर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करता है, मतलब नीतियों को लागू करता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ना, अनुकूल औद्योगिक संबंधों की स्थापना। इंग्लिश में मैं बोलता, पहले हिंदी में बताता आपको। संप्रेषण एक संगठन में प्रबंधकों को कार्यरत कर्मियों के व्यवहार मनोवृत्ति को समझने में सहायक होते हैं। ठीक है, जो प्रबंधक हैं संगठन में प्रबंधकों को कार्यरत कर्मियों के व्यवहार मनोवृत्ति को समझने में सहायक करते हैं। ठीक है, कहने का यह मतलब है जो मैनेजर वर्ग के जो लोग हैं वो उनको जो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में जो काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके व्यवहार में, उनकी मनोवृत्ति में सब जानकारी जो है इससे हमको पता, बेटर कम्युनिकेशन, जो प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू हमको पता चल जाता है उनके क्या विचार हैं, उनके मत क्या है, उनकी सूचनाएँ क्या हैं, वो क्या चाहते हैं फैक्ट्रियों में, है ना, या फिर ऑफिसों में। ठीक है, अतः यह प्रबंधकों के ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक होता है। अब भाई मैनेजर जो हर चीज़ों का अगर ध्यान से अच्छे से प्रॉपर कम्युनिकेशन है ना, उनकी भी सुनता है और अपनी बात करवाता है, जो भी है अपनी बात रखता है वहाँ पे, सब चीज़ अगर प्रॉपर तरीके से चले तो काम करने वाला काम अच्छे से करेगा, काम लेने वाला काम अच्छे से ले पाएगा। उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग होती बातों में, तो काम अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। ठीक है, एक इंग्लिश में मैं शॉर्टकट में समझाता हूँ आप लोगों को। कम्युनिकेशन हेल्प्स द मैनेजर टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एंड साइकोलॉजी ऑफ एम्प्लॉयज, लाइक देयर रिफिलिंग आइडिया, ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन, एक्सप्रेशन, एटीट्यूड। ठीक है, एक्स्ट्रा
कहने का मतलब है कम्युनिकेशन जो है मैनेजर को हेल्प करता है कि बेटर तरीके से एम्प्लॉय के साइकोलॉजी बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझ सके, ठीक है, वो उनके आइडिया ओपिनियन इन्फॉर्मेशन और जो भी उनका एक्सप्रेशन होता है उसको अच्छी तरह से उसको समझता है। इससे मैनेजर को जो है अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट मिल जाता है, ठीक है, और बेटर तरीके से कम्युनिकेशन होगा तो उनके बीच में ना कोई डाउट रहेगा, ना कोई मतलब क्या बोलना चाहिए कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है, ना कोई डाउट रहेगा ना कोई कन्फ्यूज़न रहेगा। कर्मचारी भी बेटर तरीके से मैनेजर को समझ पाएगा, मैनेजर भी बेटर तरीके से कर्मचारियों को समझ पाएगा, ठीक है। ये हमारा है मेन ऑब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन का। अब अगली क्लास में मैं इसका इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन बता के ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज मैंने आप लोग को बताया, सबसे पहले उस कंडीशन बताया मैंने ना, कंडीशन में क्या था बताता हूँ आप लोगों को, मैं छोटी सी रिवाइज कराता हूँ। मैं कंडीशन में हमारा ये था कि सेंडर होना चाहिए, भेजने वाला होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, ठीक है, और जो रिसीवर है उसके प्रॉपर तरीके से कैपेसिटी होना चाहिए उसको समझने की, जिस फॉर्म में वो समझ सकता है उस फॉर्म में समझना चाहिए, और जो रिसीवर है उसको रिस्पॉन्ड करने आना चाहिए, ठीक है, उसको कैपेसिटी होना चाहिए। फिर उसके बाद मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन मुख्य तत्व तो क्या थे कि भाई कम्युनिकेटर होना चाहिए, रिसिपिएंट होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, और जिस चैनल में रिसीवर समझ सकता है उस चैनल में रिप्लाई करना चाहिए, और उसे फीडबैक भी लेना चाहिए, जिसको आप मैसेज कर रहे हो या जिसे बात कर रहे हो सामने वाले से फीडबैक भी लेना चाहिए। फिर हम लोग पढ़े ऑब्जेक्ट, पढ़े ऑब्जेक्ट में था प्रॉपर मैसेज, प्रॉपर टाइम में, प्रॉपर प्लेस में, प्रॉपर तरीके से मैसेज होना चाहिए, ठीक है। सेकंड में था कोऑर्डिनेशन अमंग एक्टिविटीज़, तो जो भी एक फैक्ट्री वगैरह है या एक बिजनेस है उसके बीच में अच्छे से काम करने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तीसरा, इससे मैनेजमेंट स्किल भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। फोर्थ है कि जो मैनेजर वर्क के जो लोग हैं बिजनेस में, हम लोग पढ़ रहे बिजनेस कम्युनिकेशन, तो ज़्यादातर एग्जाम्पल बिजनेस का ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग बिजनेस की कम्युनिकेशन पढ़ रहे ना, तो पॉलिसीज़ वगैरह जो भी उनके बीच में प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उसको बेटर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, नीतियों को लागू करने के लिए हम लोग कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैनेजर और जो कर्मचारी हैं उनके बीच में एक अच्छी संबंध बनाए रखने के लिए भी हम लोग कम्युनिकेशन का उपयोग या प्रयोग जो है हम लोग यूज़ उसका करते हैं। अगर मैनेजर और कर्मचारी जो है प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन का उपयोग करते रहेंगे तो उनके बीच में संबंध बना रहेगा, और इंडस्ट्रियल जो है, इंडस्ट्रियल और जो ऑर्गेनाइजेशन है या फैक्ट्रियाँ हैं, जो बिज़नेस है, वो अच्छे तरीके से या फिर क्या बोला जाए तो मतलब ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगा, ठीक है। उनके बीच में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, सबके बीच में अच्छे से विचार विमर्श रहेंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, तो बिज़नेस भी मतलब कर्मचारी भी अच्छे से काम करेंगे, मैनेजर भी अच्छे से काम ले पाएंगे, और इससे बिज़नेस जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा, ठीक है। यही हमारा कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बता के चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, ओके।